हेलो गाइस, हैप्पी नवरात्रे। और ये देखिए, मैं आज उठ गई थी सुबह जल्दी, तो यहाँ बज रहे हैं 5:20। हमारी वॉच थोड़ा सा आगे है और मेरा पूरा काम हो गया कंप्लीट, क्योंकि मैं आज उठ गई थी 4:45। और देखो कितना अंधेरा हो रहा था बाहर। तो उठ के ना सबसे पहले मैंने किया झाड़ू पोछा, क्योंकि आज है फर्स्ट नवरात्रा। और सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। फिर यहाँ सबसे पहले ना मैंने सुबह घर को करके क्लीन, और मैं नहाई। नहाने के बाद मैंने यहाँ पे आलू बॉईल किए, और बॉईल करके सारे आलू को छील के ठंडा होने के लिए रख दिया। और फिर ना यहाँ मॉर्निंग में ना पापा जी को जाना था थोड़ा जल्दी, तो मैं उनके लिए बना रही थी थोड़ी सी पकौड़ी चटनी और थोड़े से फ्राइड आलू, क्योंकि आज ना हमारे घर में सभी का फास्ट था। तो ये ना मार्केट में ना आजकल बहुत मोटी मोटी सी हरी मिर्च आ रही है, जो खाने में ना बहुत अच्छी लगती है। मतलब खाली खाने में नहीं, बट इसको ऐसे आलू वगैरह में डालो ना तो वो तीखी वाली मिर्च ना खाई नहीं जाती, बट ये वाली मिर्च ना अच्छी लगती है और तेज़ भी नहीं होती। भी व्रत में तो वैसे इतना गर्म होता है, ऊपर से ये आप मिर्च खाओ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर मैं लाई थी हरा धनिया, और हरा धनिया में मैंने डाला सेंधा नमक, हरी मिर्च और जीरा, और फिर पीस के इसकी बना ली थी मैंने चटनी। और फिर मैंने काट लिए थे थोड़े से आलू, क्योंकि मुझे बनानी थी पकौड़ी। तो गाइज़, यहाँ ना मेरा सारा खाना बन चुका था बस ऑलमोस्ट। और ये मैंने थोड़े से ना ड्राई फ्रूट्स मूंगफली वगैरह को कर लिया था रोस्ट। और यहाँ बज रहे थे सुबह के 6:15, और पापा जी को 6:30 बजे तक निकलना होता है। यहाँ पे मैंने ना बहुत सारे मखानों को रोस्ट कर लिया ड्राई फ्रूट और मूंगफली के साथ, और इस तरह से मैंने ना सारा खाना बना दिया। उसके बाद ना मुझे ना थोड़ा साबुदाने की खिचड़ी ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ मैंने बनाई अपने लिए साबुदाने की खिचड़ी, और थोड़ा सा साबुदाना डाल के और हरी मिर्च वगैरह। इसकी फुल रेसिपी के लिए आप मुझे DM कर सकते हो। यहाँ पे ना मैं कर रही थी थोड़ा ऑयल को अवॉइड, तो मैंने इसको ड्राई ड्राई बनाया था, अदरवाइज इसको घी में बना सकते हो। और यहाँ आप देख सकते हो बज गए थे सुबह के 7, और मेरा सारा काम हो गया था फिनिश, क्योंकि जो आज मुहूर्त था ना पूजा का, वो सिर्फ 8 बजे तक था। तो मुझे था कि मैं 8 बजे से पहले पहले अपनी जोत जला लूँ। और यहाँ पे मैंने फिर से किचन को क्लीन किया, क्योंकि जो मेड है ना गाइज, वो आती है लेट, और उससे पहले पहले मुझे करनी थी पूजा, तो इसलिए मैंने अपने घर को ना सुबह उठ के क्लीन कर लिया था पहले ही मेड के आने से पहले। और यहाँ पे मैंने पूरा स्लिप करके, यहाँ मेरा बन चुका है टिफ़िन, हस्बैंड का, मेरा, सबका। और ये फिर ना बेटे का था आज एग्ज़ाम, तो यहाँ मैंने उसके लिए बनाया सैंडविच, उसको दिया फटाफट से सैंडविच। उसके बाद मैंने किया चेंज और मैं हुई रेडी, क्योंकि तैयार होके मुझे करनी थी पूजा। और मम्मी नहा धोकर आ गई थी, वो कर रही थी भगवान जी को स्नान वगैरह करा रही थी, इतने में मैं फटाफट से रेडी होके पहुँची। और यहाँ ना मम्मी ने सारे भगवान जी को नहला दिया था, और उसके बाद मैं बना रही थी जोत का धागा। कलावे से गाइस इसको बनाते हैं, और इसको ना बहुत ज़्यादा ऐंठ के बनाते हैं ताकि ये खुले ना, क्योंकि धागा बहुत जल्दी जल जाता है। और ये जोत ना मम्मी हमेशा मेरे से ही बनवाती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं ही बनाती आ रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ना जोत को ना अच्छे से मैंने इसको लपेट लपेट के थोड़ी मोटी सी जोत बना ली। ये ना बड़ा संभाल के बनानी पड़ती है, क्योंकि 8 दिन तक जलती है। और यहाँ मेरा चिराग हो गया था रेडी, और फल फूल हमने सब चढ़ा दिए थे अपने दरबार में, और मम्मी भी आ गई थी यहाँ पे रेडी होके। तो हम लोग दोनों कर रहे थे पूजा, क्योंकि मम्मी मेरा फास्ट था आज, तो खैर सबका ही फास्ट था, पर हमारे घर में मैं और मम्मी सारे फास्ट करते हैं। तो वही मैंने फिर करी चिराग जला के तैयारी, और यहाँ फिर मैंने जलाई अपनी अखंड जोत। Thank you.
फिर हम बैठ गए थे हवन करने, और यहाँ मम्मी डांट रही थी बेटे को क्योंकि उसका था एग्ज़ाम और वो सुबह नहा के ना सबसे पहले फ़ोन में वीडियो देखने लग जाता है, तो वही मम्मी उसको डांट रही थी कि तुम्हारा एग्ज़ाम्स है और तुम फ़ोन रख दो। और यहाँ पे फिर वो भी आया, उसने भी करी पूजा थोड़ी सी और लिया माता रानी का आशीर्वाद, जैसे था आज उसका एग्ज़ाम। तो यहाँ पर हम दोनों ने, मम्मी ने, सबने बैठ के करी पूजा और अपनी हवन सामग्री वगैरह डाली, अपना हवन किया, माता रानी की जोत जलाई और करी आरती और दुर्गा चालीसा। तो गाइज मैं ना सिर्फ दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ और आरती करती हूँ, बाकी मम्मी ना नौ दुर्गे की किताब पढ़ती हैं पूरी, जो व्रत कथा की पूरी बुक है वो मम्मी हर नवरात्रे को 8 दिन में कंप्लीट करती हैं। तो यहाँ मम्मी वही बोल रही थी कि तू अपनी पूजा कर ले। यहाँ हो गया था बेटे के स्कूल का टाइम, आने वाली थी उसकी बस, तो यहाँ फटाफट से मैंने पूजा करी। और वैसे ना उसको जनरली मम्मी ही छोड़ने जाती हैं, पर आज मम्मी अपनी व्रत कथा पढ़ रही थी तो मैं जल्दी फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज मैं ही इसको छोड़ आऊँ। तो मैं इसको कहीं छोड़ने, ये देखो कितने ध्यान से देख रहा है, आज इसका लास्ट एग्ज़ाम है। बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं ना सीरियसली पेरेंट्स के लिए टेंशन होती है। जनरली मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाती, इसके ज़्यादातर इसके पापा ही इसको पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने का काम ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और वैसे भी मुझे नहीं मिलता इतना टाइम कि मैं इसको लेके बैठूं, इसके साथ ना बैठना पड़ता है। और ये ना हम वृंदावन से लाए थे मंजीरा, बड़ा इसको ना मेरा बेटा बजा रहा था, यहाँ चल रही थी आरती। फिर हमारी माँ बेटे की पूजा हुई ख़त्म और मैंने लिया माँ का और मम्मी का आशीर्वाद उस, और फिर यहाँ मम्मी पढ़ रही थी अपनी व्रत कथा, और यहाँ बेटे ने भी लिया अपनी दादी का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद। और फाइनली मैं निकल गई उसको छोड़ने के लिए, क्योंकि उसकी बस का हो गया था टाइम। यहाँ पे भी गर्मी इतनी है ना, मैं क्या बताऊँ। तभी पूरा घर हो चुका है क्लीन, जो चल चुकी है, और आज मुझे जाना है ऑफिस मीटिंग से, तो अभी मैं जा रही हूँ मीटिंग में, मिलते हैं शाम को, दिखाते हैं मैं क्या बनाती हूँ आज शाम को। सुबह का तो जो ब्रेकफास्ट था या टिफिन का जो भी था वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, तो अभी मैं करती हूँ थोड़ा सा चाय पीती हूँ और उसके बाद निकलती हूँ अपनी मीटिंग के लिए।